भाई साहब क्या इतना वेट मैंने अपनी शादी का नहीं किया भाई साहब जितना तुम्हारा करना पड़ गया मुझे यहाँ पे। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और सीन कुछ ऐसा है, आज बहुत दिनों के बाद मोटो व्लॉग बनाने का नंबर आ रहा है और आज है संडे। अभी सुबह के बजे हैं 10:30 और मोटो व्लॉग मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं घर पर था और 10:30 बजे मुझे फ़ोन आया हमारे DOP साहब, मतलब हमारे जो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफर हैं पुनीत बोड़ाई जी का। उन्होंने कहा हमारे बड़े भाई आए हुए हैं, बड़े भाई को कहीं घुमाने ले जाना है। तो हमने कहा क्यों नहीं, बिल्कुल नहीं की और पूछ। हमने कहा चलो चलते हैं संडे, मैं भी घर पर बोर हो रहा था, मैंने कहा क्यों नहीं एक पार्टी जैसी हो जाएगी छोटी सी और उनके भाई से भी मिलना हो जाएगा। और उन्होंने बताया कि कुछ उनके साथ कोई एक बंदा भी आ रहा है, उनका बर्थडे भी है, तो चलो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। और उन्होंने मुझसे लोकेशन के लिए पूछा कि लोकेशन कोई सजेस्ट करो, कहाँ हम जा सकते हैं। तो भैया हमारे जहन में तो एक ही लोकेशन आती है, मर तर के कहीं भी जाएं एक ही लोकेशन आती है, वो आप लोगों को पता है हम किस लोकेशन पे फिर से जा रहे होंगे। और हम जा रहे हैं वही पाटकोट भलौन। जी हाँ, आपने सही पहचाना, हम जा रहे हैं फिर से पाटकोट भलौन। तो आज पुनीत भाई के बड़े भाई को घुमाया जाए, थोड़ा सा पाटकोट भलौन घुमाया जाए, थोड़ा एंजॉयमेंट किया जाए। संडे था, संडे घर में बोर हो रहे थे और पहुँचने वाला हूँ मैं अभी भवानीगंज। पेट्रोल डलवा दिया है, पुनीत भाई आ गए हैं, ये खड़े हैं। भाई साहब क्या इतना वेट मैंने अपनी शादी का नहीं किया भाई साहब जितना तुम्हारा करना पड़ गया मुझे यहाँ पे। व्लॉग बना रहे हो? हाँ चले। हाँ और लोग कहाँ हैं? वो बर्थडे बॉय नहीं आएगा? तो ये लोग हैं हमारे साथ जाने वाले, आज इनको पाटकोट भलौन घुमाते हैं बढ़िया करके। और एक पार्टी और आ गई है हमारी, मन्नू अड़ा जी, पहाड़ी फिल्म के जाने माने एक्टर हमारे मन्नू अड़ा जी। हाँ जी सर, क्या हाल चाल है? और बर्थडे बॉय भी आ रहा है क्या? है बर्थडे बॉय आ रहा है? अरे यार थोड़ा गिफ्ट लेना पड़ेगा उसके लिए फिर। यार कैसा लड़का है वो? लड़का कैसा है? लड़का सिंगल है। पढ़ता है? जॉब कर रहा है? फोटोग्राफर है। अब यार थोड़ा बहुत ले लेते यार उसके लिए कुछ। यार केक वगैरह तो लेने के जा रहे हैं। ले लिया? ले चलो मैं भी चल रहा हूँ फिर, इनसे पूछो फिर। तो आप और मैं चले? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपके साथ बैठ जाऊँ? अरे यार अब जो प्रथा है वो खत्म नहीं होनी चाहिए, व्लॉग भी बन रहा है। तो फिर मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा एक छोटा सा गिफ्ट भी ले लेते यार भाई के लिए, यार फिर अच्छा नहीं लगेगा यार ऐसे। तो भैया जी जिस भाई का बर्थडे है उसके लिए गिफ्ट लेने जा रहे हैं हम लोग। हमने डिसाइड कर लिया कि संयुक्त रूप से कोई बढ़िया सा गिफ्ट ले लेते हैं उसके लिए, तो थोड़ा अच्छा लगता है। जरा हाथ दो। अरुण लो यार, ये जमेगी लोंडे पे, आजकल यही चल रहा है बहुत। गिफ्ट ले लिया है, अब लेना है उसके लिए हम केक। अब उतरो उतरो, हम तीन लोग बैठे हैं, पुलिस घूम रही है कहीं पकड़ लेगी। पुलिस नहीं है यार, NCC कैडेट है। तो भैया जी सीन कुछ ऐसा है कि भाई के लिए गिफ्ट भी ले लिया है और उसके लिए केक भी ले लिया है। और अभी हम पहुंच चुके हैं अपने खूबसूरत रामनगर के कोसी बैराज पर, और कोसी बैराज क्रॉस कर रहे हैं, इसके बाद निकलते हैं सीधा पाटकोट भलौन की ओर। टेढ़ा चौकी क्रॉस कर दी है, तो चलिए आपको एक झलक दिखा देते हैं, बर्थडे बॉय से मिला देते हैं आपको। पहले इन दोनों से आप मिल ही रहे हो, ये है बर्थडे बॉय। हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई को। इसी भाई का बर्थडे है और हमारे मन्नू भाई का कुछ रिलेटिव है। तो भैया जी हम पहुंच चुके हैं भलौन, अब जा रहे हैं महेंद्र भाई की शॉप पर। एकमात्र हमारा जो सहारा है, हारे का सहारा महेंद्र भाई हमारा।
और मौसम हो चुका है एक नंबर, दिख रहा होगा आपको। खूबसूरत भलौन, ज़बरदस्त है यार यहाँ की खूबसूरती। तो यहाँ तो जितनी बार भी आ जाओ ना मन ही नहीं भरता। हाँ है यहाँ पर है, यहाँ पे कोई झरने है। बस चंद कदमों की दूर पर रह गई हमारी डेस्टिनेशन, मतलब महेंद्र भाई की शॉप, अंग्रेजों के ज़माने की दुकान। एक टैग बन चुका है हमारे महेंद्र भाई का, अंग्रेजों के ज़माने की दुकान। मन्नू भाई पोपट तो नहीं हो गया, मुझे लग रहा महेंद्र भाई है ही नहीं आज। ओहो तो लगता है हमारा हो चुका है पोपट, आज तो महेंद्र भाई है ही नहीं, दुकान बंद कर रखी उन्होंने, ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। तो भैया जी हमारी अंग्रेजों की दुकान तो बंद है और हम जा रहे हैं अब अमोठा की रोड की तरफ, अमोठा की ओर जा रहे हैं। यहाँ कोई दुकान उकान मिलती है तो यहाँ पर भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, केक उक काटते हैं और कुछ पेट पूजा करेंगे खाने की। ये हम भलौन से ऊपर की ओर गए हैं अमोठा वाली रोड पर, रोड का हाल तो थोड़ा ऐसे ही हो रहा है गाइस। तो भैया जी सीन कुछ ऐसा है, आए थे हम महेंद्र भाई की दुकान पर यानी भलौन अंग्रेजों की ज़माने की दुकान पर वो अनफॉर्चुनेटली हमें बंद मिली, तो हम थोड़ा आ गए अमोठा की ओर ऊपर की ओर। और अमोठा की ओर हम 2 किलोमीटर आए हैं तो हमें मिल गई एक बड़ी ऐसी नेचुरल चाय की शॉप, ये देखिए। और हमारी बन रही है यहाँ पर चाय, पहाड़ का सफ़र कर रहे हैं चाय नहीं पियेंगे तो बड़ा अजीब जैसा लगेगा ना पुनीत भाई, है ना। आपका फ़ोटो लेता हूँ एक मिनट। बिल्कुल सर बिल्कुल लीजिए। और मन्नू भाई कैसा लग रहा है, फिर हम तो यहाँ वैसे आए हैं, कैसा फील कर रहे हो आज, आज के मौसम को देख के कुछ दो शब्द सुनना चाहूँगा आपके मुँह से। सबसे बढ़िया तो आज का मौसम को देख के मैं कहना चाहूँगा कि यार मौसम बहुत बढ़िया है, हमेशा जब भी हम कहीं भी जाते हैं तो हमारा मौसम साथ देता ही देता है, और कभी कभी बारिश भी हो जाती है जब हम डिमांड करते हैं बारिश की, आज बारिश होनी चाहिए, गर्मी बहुत है तो, बट आज बारिश नहीं है पर ठंडा है, तो मौसम ने आज हमारी सुन ली है। तो और चंदू भाई के साथ हो तो मौसम खुद ब खुद सुहाना हो जाता है। और पुनीत भाई आपको ट्रैप मूवी की बहुत बहुत फिर से बधाइयाँ, यही है हमारे ट्रैप मूवी के DOP साहब, डायरेक्टर साहब, हीरो और विलन तो मैं हूँ आपको पता ही है। देखा होगा आपने कैरेक्टर यहाँ पे विलन का सभी लोग तारीफ कर रहे हैं। रियल में विलन नहीं हूँ, नहीं नहीं वैसे तो हीरो हैं, रील में विलन हूँ, रियल में नहीं, रियल लाइफ में हीरो हर चीज। और कैरेक्टर आपने देखा ही होगा भाई का, कैरेक्टर और नेम तो मुझे इतना परफेक्ट लगा, कुलभूषण सभी लोग कह रहे थे नेम बहुत अच्छा सुना था। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और ऐसे ही प्यार देते रहिए व्लॉगों को भी हमारे और मूवीज को भी। और ये प्रतीक भाई देखिए आदत से मजबूर, जहाँ भी जाते हैं लग जाते हैं कुछ सिनेमैटिक शूट करने के लिए, इनके अंदर इतना सिनेमैटिक का कीड़ा है इनका, देखिए वीडियो बना दे स्टार्ट करी थी वो जब ये देखिए वही तो कह रहे हैं इनके अंदर इतना ज्यादा कीड़ा है कि ये सारी शूट कर चुके थे लेकिन वीडियो ऑन नहीं किया था, बाद में ऑन किया, वो ज्यादा ही खतरा है। यहाँ से थोड़ा सा आपको अगल बगल की लोकेशन दिखाया जाए, एक नंबर जैसी आ रही है ना लोकेशन, ये देखिए आप।
टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर निक्की, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो भैया जी मज़ा आ गया खाने में, पहाड़ी खाने में, पहाड़ों के बीच खाने में ज़बरदस्त मज़ा आ गया। सेल्फ सर्विस है, इसको धो के भी जाएंगे हम खुद ही गाइस, तो धो भी देते हैं पहाड़ों में आए, कुछ काम भी कर ही देते हैं, हल्का फुल्का धो देते हैं। आत्मा को जो संतुष्टि पहुंची है ना, वह मज़ा ही आ गया यार। क्या खाना हो रहा था बलकर, और ऊपर से चार चांद यहाँ की लोकेशन ने लगा दिया, और अब तो थोड़ी धूप भी खिल के आ गई है। एक हमारा दोस्त भी बन गया नया, क्या नाम है तेरा, ये वीडियो ज़रूर देखना, नाम नहीं बता रहा हूँ अपना। और ऊपर से लोकेशन ने चार चांद लगा दी, इतनी जहर हो गई है, थोड़ी सी लोकेशन दिखाई जाए। और ये हमारी छोटी सी कुटिया रेस्टोरेंट, हमारा मतलब अंकल ने जो बनाया है ना, मज़ा ही आ गया। भट्टी में जो दाल चावल समेट दिया हम लोगों ने, पूरा एक एक भगोना समेट दिया पूरा। तो भैया जी सीन कुछ ऐसा है, पेट पूजा भी हो चुकी है और अभी बच चुके हैं टाइम, लगभग 2:45 का टाइम हो रहा है, अब घर निकलने का टाइम है और ब्लॉग को एंड करने का टाइम है। तो लास्ट में मैं आपको एक पर्सन से मिलाना चाहता हूँ जो आज हमारे साथ बहरीन से आए हैं, और उनका सूक्ष्म परिचय मैं दे दूं, हमारे जो DOP साहब हैं पुनीत बोड़ाई जी, उनके बड़े भाई हैं जो बहरीन से आए हैं। आज मैं उनके माध्यम से आपको अपना ब्लॉग एंड करूंगा और उनसे थोड़ी सी बातचीत भी करेंगे। तो सैम भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MBT ब्लॉग्स में। थैंक यू। तो सबसे पहले तो ये बताइए आज आपको कैसा लगा हमारे साथ पहाड़ों की सैर करके। या देखो मेरा, अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँगा तो मैं बेसिकली यहीं से हूँ, अपना रामनगर से ही, और क्या बोलते काफ़ी लोग मुझे जानते भी हैं, और वक्त के साथ साथ थोड़ा सा मतलब क्या होता है कि टाइम के बीच में थोड़ा सा हम लोग इधर उधर चले जाते हैं किसी काम के लिए या किसी रीज़न से, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से। अभी कभी कभी ऐसा टाइम मिलता है, ये मोमेंट है, बहुत अच्छा मोमेंट है कि मतलब मेरे को एक मौका मिला यहाँ पे आज आप लोगों के साथ आने का, और मेरे भाई के साथ मैं एक्चुअली पुनीत के साथ मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ तो यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों के ब्लॉग्स में आके, और क्या होता है काफ़ी फ़न, काफ़ी इन्जॉय हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया, मतलब काफ़ी इन्जॉय किया। मेरे ख्याल से यही रियल लाइफ है। तो गाइज बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सभी का, ब्लॉग को एंड करते हैं गाइज, बाय बाय।